Well, मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को देखने के बाद मैंने सोचा कि यार मेरे पिताजी भी अगर मेरे अगर होने वाले हस्बैंड की ऐसी वाट लगाएंगे प्यार से तो वो कैसे हैंडल करेगा. बट यहाँ पे जो बापू का कैरेक्टर है ना वो बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है. वो प्यार भी बहुत करता है, वो पोक भी बहुत करता है, बट वो मेक श्योर करता है कि चीज़ें सही हो उसकी बेटी की लाइफ में. सो यहाँ पे मेरे साथ मनोज जोशी जी हैं. सर मैं आपसे, मुझे 10 साल हो गए करियर में, बट मैं लिटरली 10 साल से आपसे मिलना ज़रूर चाह रही थी क्योंकि मैंने आपके कई रंगमंच, आप इंदौर में भी आते रहते हैं और रंगमंच से आपका एक खासा कनेक्शन है. सो मुझे लगता है कि एक कमाल के एक्टर से मिलने का जो मज़ा होता है ना वो अलग होता है. सो सर इतने सारे साल, इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स, बट नाउ यू आर कमिंग टेलीविजन में कॉमेडी जो आपका जॉनर है आप बहुत अच्छे से बारीकियां पकड़ लेते हैं. और ये कैरेक्टर सर कितना कनेक्शन फील कर रहे हैं इससे कि एक बापू का कैरेक्टर है जो कि अपनी बेटी के लिए बड़ा पजेसिव है और वो लड़के को बीच बीच में टुकता रह रहा है कि बेटा तुम जो ऐसा है दूर रहो. तो ये वाली जो फील है ये कैसे डेवलप हुए? एक तो ये संजीव सकलेचा का जो पात्र कर रहा हूँ वो अपने आप में एक ज़बरदस्त कैरेक्टर है और ऐसे पात्र हम रियल लाइफ में देखते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के लिए पजेसिव हो ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि पिता का और बेटी का जो प्रेम है वो माँ और बेटे का बॉन्डिंग होता है घर में. हाँ, मतलब बेटा अगर खाना खा रहा है तो रोटी पे 2 चम्मच गाय का घी जो है वो 1 चम्मच ज़्यादा डालेंगे. ओके. और पिता अगर ये खा रहा है तो बेटी को पहले कुछ देगा, बाद में बेटे को देगा, तो बस बहुत स्वाभाविक है. तो प्यार निश्चित रूप से, बेटी इकलौती बेटी है, एक बेटा है, तो अपनी बेटी को इतना पजेसिव, उसका फैमिली प्रेम उतना ही है, बेटी को लेके इतना सावधान इसलिए है क्योंकि उसकी जो बहन थी ज्योत्सना संजीव सकलेचा की, उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ हादसा कि उसका जीवन बेचारी का बहुत तकलीफ में हो गया. तो उस विषय को लेकर उसके मन में चिंता है कि बैक ऑफ द माइंड कि मेरी बेटी को जो भी रिश्ता मिले वो रिश्ता जो है वो अच्छा मिले, वो लड़का अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, क्योंकि कौन सा पिता और कौन सी माता नहीं चाहती कि मेरी बेटी का रिश्ता अच्छा ना हो. हर घर में जिस किसी की बेटी है वो पिता माँ वही चाहेंगे कि मेरे बेटी को अच्छा रिश्ता, अच्छा घर मिले, परिवार मिले, भले बहुत पैसा ना हो बट लोग अच्छे हों, स्वभाव से अच्छे हों, समझ लें, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी, कन्या ही एक ऐसी है जो अपने पिता का घर छोड़ के चली जाती है और दूसरे घर में, पराए घर में जाके उस घर का कल्याण करती है. क्या बात है, बहुत ओके. और न केवल कल्याण करती है, उसका परिवार, उसका वंश, उसका मतलब, इसीलिए हमारे संस्कृति में भी उसे लक्ष्मी कहा गया है. जब शादी भी होती है तो लक्ष्मी नारायण को दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, कन्या दान है. सो ये बहुत मतलब कि मैं मेरे परिवार की जो मैंने आज तक बड़ी की है कन्या वो तुम्हें दान में दे रहा हूँ. तो ये बहुत बड़ा और ऊंचा थॉट है. दान मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो है कि ये परिवार का कल्याण करे. आप इमोशनली कनेक्टेड होते हैं उससे. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे कल्चर की जो महानता है वो हमारे कितनी पीढ़ियों से लगातार सनातन चलती आ रही है. फिर वो मतलब नॉट ओनली हमारे किसी भी धर्म में हो ये है. मतलब तो मेरा मुद्दा ये है कि संजीव सकलेचा इसलिए वो अपनी बेटी से उसका लगाव एक तो ज़बरदस्त है और अपनी बहन के एक प्रसंग को लेकर आहत है और इसलिए जो भी लड़का आता है वो उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी सावधानता उसकी बेटी की शादी
नहीं होने देता। पर ये जो लड़का आया है ये साउथ इंडियन फैमिली से है, ये थोड़ा हैंडसम भी है, ये थोड़ा सा टॉल वाला जो फीलिंग है कि बढ़िया लड़का एकदम देखने में भी अच्छा है, सो ये क्या चीज़ परेशान कर रही है संजीव सकलेजा के कैरेक्टर को, क्यों, क्या चीज़ की, कैसे लड़का अच्छा है नहीं है वो कैसे? वो प्रसंग वैसे होते हैं ना छोटे 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 छोटे, दैट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो हमें देखने को मिलेगा कि कैसे आपका और उनका सिचुएशन इंट्रोडक्शन से ही कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, तो वो कॉन्फ्लिक्ट छोटा कॉन्फ्लिक्ट फिर बड़ा होता है, फिर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार ये सही है, फिर क्या होता है। तो अभी मैं सारा ओपन नहीं कर सकता, बट आप सीरियल देखेंगे तो पता, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो लिखावट है बहुत ही जबरदस्त। हम ट्रेलर देख रहे थे, प्रोमो देख रहे थे, उसमें एक जगह आप कहते हैं कि मेरे जीते जी तो तू मेरी बेटी से शादी नहीं कर पाएगा, तो वो जो करणवीर का कैरेक्टर है अर्जुन का, वो कहता है कि मैं फिर वेट कर लूँगा थोड़े दिन। तो ये सर ये अपने आप गुदगुदाती है चीज़ें, हमें हंसी ऐसा नहीं होता कि हमें लानी पड़ रही है, हमेशा हमें मज़े आ जाती है ऐसी चीज़ें सुन के। किसी न किसी घर में किसी बेटी का कहीं और प्यार होता है, माँ बाप को मंजूर नहीं होता है, मेरा मरा मुंह देखेगी अगर उससे शादी करेगी तो, ऐसे डायलॉग हमको हर घर में कहीं ना कहीं मतलब एक एक होता है। कोई परिवार में ऐसा होता है माता पिता मान भी जाते हैं पर जल्दी से नहीं मानते, बट आप उसे हिलेरियस करना। हाँ, तो इसलिए उसको उसका जो तड़का है वो बड़ा ह्यूमरस है, कॉमेडी है, कि हर परिवार को ये लगेगा कि मैं मेरी ही माता देख रही हूँ, या मैं मेरे को देख रही हूँ, मैं मेरे बेटे को देख रही हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को देख रही हूँ, मैं मेरे जमाई को देख रही हूँ, जमाई को लेके मैं मेरे ससुर को देख रहा हूँ। तो आइडेंटिफिकेशन अपने आप होते जाएगा और वो पिक्यूलर जो सीरियल होती है उससे अलग है, और शायद मैंने इसीलिए इसको हाँ बोला। और दूसरा ऐसा है कि अश्विनी आरडी जो है वो बहुत बेहतरीन अपने आप में एक शख्सियत है, उन्होंने ओ माई गॉड नाम की फिल्म बनाई और अभी काफ़ी सारी वेब सीरीज बना रहे हैं। सब टीवी जैसा प्लेटफॉर्म है तो सब टीवी का अपना एक खुद का एक ब्रांडिंग है यू ह्यूमरस सीरियल का, और उसमें इस प्रकार के उसको गुदगुदाते हंसाते हंसाते आपको अंतर्मुख भी करने को ये लगाता है ये धारावाहिक। आपको मंगलम दंगलम देखते हुए आपके हंसते हंसते आपके आंसू भी आएंगे, इमोशनल, हाँ हर बार नहीं बट हंसते हंसते भी आंसू आएंगे, और कहीं एक इमोशनल ऐसा एक चीज़ आएगा कि जो आपको आपकी आंखें भी टॉक अबाउट सम सीरियस पॉइंट ऑफ थिंग। तो आप जैसे कह रहे हैं कि कॉमेडी लाइट वेट कॉमेडी है ज़रूरी है, आई हैव सीन पीपल जो हमारी आजकल सिनेरियो चल रहा है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है, सास बहू की कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मतलब दीज टीवी सीरियल्स आर वेरी प्रोमिनेंटली कमिंग ऑन टेलीविजन, आई शुड से कि सालों साल चलते हैं, बट इनसे कोई आउटपुट नहीं निकलता और इंसान हल्का हल्का हंसा हो रहा है। सर इन सब में ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ में एक आध दो सीरियल या ऐसी कोई चीज़ें ऐसी लाइट वेट रखें, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतने सालों से लोग देख रहे हैं, सो ऐसी रखें कि जो वाइस ओ सीरियस वाला जो आजकल जीवन हो गया है दिन भर का वर्किंग आवर्स के बाद, उसके बाद एक कोई चीज़ हो जो आपको लाइट फील करवाए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वही है, स्ट्रेस इतना है जीवन में, हर एक के जीवन में स्ट्रेस है, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, भागम भाग कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, और घर पे आके ये देखने के बाद अपने ही फैमिली को कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली देख रहा है और हंस रहा है, ये आपको डेफिनेटली फीलिंग मंगलम दंगलम से मिलेगी। सर इतने साल रंगमंच पे, जो अभी मेरा थोड़ा सवाल रंगमंच से इसलिए सर क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो बहुत इमोशनल भी होता है, उसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी होता है, और आपके पास जो है सर जो अभी रंगमंच कर रहे हैं, कितना फ़ायदा मिलता है उन बच्चों को जो सिर्फ उठ के चले जाते हैं उनसे कि भैया हमें एक्टर बनना है, हमारा लुक्स अच्छे हैं, हम एक्टर बनेंगे, और फिर मुंबई में स्ट्रगल करते हैं, पर पहले एक अच्छा बेस बना के रंगमंच का जाते हैं, एक्टिंग में पाणत होके जाते हैं और फिर ट्राई करते हैं, तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिलता है, कितना आप इसका एक इम्पोर्टेंस मानते हैं? मैं ऐसे समझता हूँ कि रंगमंच आपको परिपूर्ण मनुष्य बनाता है, और रंगमंच हो सकता है आप कोई हर एक व्यक्ति क्रिकेट में जाता है वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता, या हर एक व्यक्ति बच्चन साहब की लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकता, तो वो प्राप्त करने के लिए रंगमंच में मत आइए, मेरा स्पष्ट कहना है।
आपको अपने आप को अगर तराशना है, अपने आप को अगर सीखना, अपने से कुछ सीखना है कि यार मैं ये नहीं कर पाता था, मैं ये कर सकता हूँ। एक निश्चित रूप से रंगमंच यदि आपको लोकप्रिय कलाकार, पर्दे का कलाकार नहीं बनाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान डेफिनेटली बनाएगा, आपको एक भावक बनाएगा, आपको रसिक बनाएगा। आप उसको हॉबी के तौर पर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति अभिनेता बने, लेकिन रंगमंच जो है आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपका व्यक्ति विकास करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप किसी भी व्यवसाय में जाइए, अगर आपकी ट्रेनिंग अगर रंगमंच की है, तो आप अभी आप एंकरिंग कर रही हैं टेलीविजन का, आपकी थोड़ी बहुत रुचि होगी, तो अगर आप रंगमंच किया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अगर रंगमंच किया है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर बने, या आप बिजनेसमैन हैं, या आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं, तो आप अपना काम कॉन्फिडेंस से, अपनी बात जो है वो कॉन्फिडेंस से रख पाते हैं, अपने विचार रख पाते हैं, तो बहुत कुछ देता है रंगमंच। तो रंगमंच सिर्फ सीरियल में काम करने के लिए ही रंगमंच करना चाहिए, जरूरी नहीं है। और एक दूसरी बात, क्या आप उसका साथ मत छोड़िए, दामन मत छोड़िए, करते रहे। हाँ, आप करते रहें, आप जब तक उसमें डूबेंगे नहीं, आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ में, नॉट ओनली रंगमंच। आप जब तक अंदर ना, यू हैव टू, बहुत अच्छी बात। लास्ट नोट पे सर, दिस इज हैथवे बीटीवी युवा, यंगस्टर्स डू लव यू, दे फॉलो यू, सो युवा सर, HBTV युवा, सो युवाओं का चैनल है, युवाओं को अपनी तरफ से मे बी मैसेज, मे बी अ टोकन ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे? युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगा, भाई आप जो भी कर रहे हैं पूरे तन मन से जुड़िए, जो भी चीज़ करेंगे, जो भी करना चाहते हैं आप, उस मन से जुड़िए, अपने मन को एकाग्रता से, अपने आत्मा से उस चीज़ के साथ जुड़ जाइए, और मेहनत से कभी मत डरिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाएंगे बिना मेहनत के, बिना मन से जुड़े, बिना आत्मा से जुड़े, बिना डूबे, आपको कभी किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। और सक्सेस का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर, ये संजीव जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा रहे, इंदौर का बिजनेसमैन का कैरेक्टर है, तो खूब फूले फले और लोगों को पसंद आए। मैं इंदौर वासियों को, खासकर मध्य प्रदेश के जितने भी दर्शक हैं, उन सबको एक विनती करता हूं, आप लोगों ने सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और आपका प्यार मंगलम दंगलम को चाहिए, इसलिए रोज़ 7:30 बजे मंगलम दंगलम सब टीवी पे रोज देखिए, सोमवार से शनिवार तक जरूर देखिए, और हंसिए और अपना घर परिवार खुश रखिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर।